सोलवा अध्याय प्रारंभते देव असुर संपदा योग। श्री कृष्ण बोले, हे भारत, अभय शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान योग निष्ठा दान इंद्रिय दमन यज्ञ करना तप सरलता अहिंसा सत्य क्रोध त्याग शांति चुगली न करना सब प्राणियों पर दया तृष्णा से बचना कोमल स्वभाव लज्जा चपलता का त्याग तेज क्षमा धृति पवित्रता द्वेष रहित अभिमान न करना देवी संपत्ति के सन्मुख जन्म धरने वाले लोगों को यह गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दम दर्प अभिमान क्रोध कटु भाषण और ज्ञान ये सब आसुरी संपत्ति के सन्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, देवी संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक न करो क्योंकि तुम उत्तम देवी संपत्ति के भोग से जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और असुर दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। देवी संपत्ति का विस्तार से वर्णन कर चुके हैं, अब आसुरी को सुनो। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म में निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उनमें ना सोच है ना आचार है ना सत्य ही है। वे संसार को असत्य निराधार और अनिश्वर कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संभोग से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मलिन आत्मा अल्प बुद्धि दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने हेतु पैदा होते हैं और दूषित काम से आश्रित होकर दंभी मानी और मद से युक्त नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित हैं। कामोपभोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। अनेक आशारूपी पाशों में बंधे काम क्रोध में तत्पर कामोभोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज यह इस मनोरथ को पाऊंगा, यह है यह धन भी मेरा हो जाएगा, यह शत्रु मैंने मारा दूसरे को भी मारूंगा, मैं ईश्वर भोगी सिद्ध बलवान और सुखी हूँ, मैं धनी कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूँगा दान भी करूँगा आनंद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं, अनेक कल्पनाओं के मोहरूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग से आसक्त लोग रौरक नरक में गिरते हैं, अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन दामद में चूर रहते हैं, शास्त्र विधि को छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। ये अहंकार बल कमंड काम और क्रोध से युक्त हैं, अपनी और औरों की देह में स्थित मुझे द्वेष रखते हैं और मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार में आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे कौन्तेय, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर यह मूर्ख मुझको पाए बिना भी अंत में ही अधोगति को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध और लोभ ये तीन नर के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं, इस कारण तीनों को त्यागना चाहिए। हे कौन्तेय, उन तीन नरक द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण से सुकृत करता है तथा उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्रोक्त विधानों को छोड़कर स्वेच्छानुसार कर्म करता है वह सिद्धि को नहीं पाता है, सुख को नहीं पाता है और परम गति को नहीं पाता है। अतएव कार्य और अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रोक्त विधान जानकर उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। सोलहवें अध्याय का महात्म्य प्रारंभ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, सौरव देश इसके राजा का नाम खड़गबाहु था, वह धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था जिसकी धूम मची रहे। महावतों को पास न आने देवे, जो महावत उस पर चढ़े तिसको मार डाले। हाथी के पाँव में जंजीर बंधी रहे तिसके खेत से राजा ने और देश के महावत बुलाए, कहा कोई ऐसा होए जो इस हाथी को पकड़े, मैं उसको बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला गया, सामने साधु चला आया। लोगों ने उस साधु को कहा, हे संत जी, हाथी आपको मार डालेगा।
संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण की कैसी शक्ति, हाथी की क्या शक्ति जो मुझे मारे, मेरे नज़दीक नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र प्रसार कर देखा, हाथी ने सूंड के साथ साधु की चरण वंदना की और खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे पहचानता हूँ, पिछले जन्म में तू पापी था, मैं तेरा उद्धार करूँगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता, माथा नवाता, लोगों ने देखकर राजा को खबर करी। राजा भी वहाँ आया, देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र तू आगे आ। हाथी ने आगे वो चरण वंदना की। उस हाथी उस संत गीता पाठी कमंडल से जल लेकर मुख में कहा, गीता के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना कहकर जल छिड़कने से हाथी की देह छोड़ी। देवदेही पाई विमान पर चढ़कर वैकुंठ को गया। राजा को दंडवत प्रणाम की और कहा, संत जी आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सदगति प्राप्त हुई। संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है, नित्य ही मैं इसका पाठ करता हूँ।